अधिक शुक्ला एकादशी कथा युधिष्ठिर तथा श्री कृष्णनो संवाद पुरुषोत्तम मासनी जे सूदनी पवित्र एकादशी छे तेनु नाम यज्ञनी एकादशी छे। पुरुषोत्तम मासमा जे एकादशी आवे छे ते महापवित्र अने पापोनो नाश करनारी कहेवाय छे। तेनु फल कहेवानी ब्रह्मा पण समर्थ नथी। यज्ञनी एकादशीनु उत्तम व्रत ब्रह्माए नारद जी ने पहला कह्यु हतु। ए व्रत पापोना ढगलाओनो नाश करनार तथा भोग अने मोक्ष रूप फल आपनार छे। दसमनो दिवस आवे त्यारे ए व्रतनो आरंभ कराय छे। दसमना दिवसे पण कांसू अड़द मसूर चना कोदरा शाक मध पारकू अन्न कोई पण क्षार तथा मीठू आ दशनो त्याग करवो अने हविष्यायनज जमवू। वड़ी जमीन पर काई पात्र्या वगर सुवू अने ब्रह्मचारी रहेवू। पछी अग्यारशनो दिवस आवे त्यारे प्रातःकाळ मां काळजीथी मळ त्याग करी दातण न लेवू पण बार कोगळा करी पवित्र थई सावधान थवू। सूर्योदय थाय त्यारे सारी बुद्धि राखी पवित्र तीर्थ पर स्नान माटे जवू। विधिपूर्वक स्नान कर्या पछी धोळू ने अखंड वस्त्र पहेरवू। पछी श्रीहरिनी पूजा करवी। पछी जात जातना पुष्पो कस्तूरी केसर धोळा कमळ तथा ते काळमां उत्पन्न थयेला पुष्पो वडे पुरुषोत्तमनी पूजा करवी। नैवेद्यो धरावी कपूर सहित धूप दीप तथा आरती वगैरेथी श्री केशव प्रभुनु तथा श्री शंकर भगवाननु पूजन करवू। पुरुषोत्तम मासना शुक्ल पक्षनी एकादशी निर्जळा करवी अथवा जळपान करीने के दूध पीने करवी पण बीजू काई खाईने ते एकादशी करवी नहीं अने रात्रे गीत भजन साथे जागरण करवू। पहला प्रहरे नाळियेरनो उत्तम अर्ध भाग पूजामां होवो जोईए। बीजा प्रहरे श्रीफळ बीला त्रीजा प्रहरे बीजोरा अने चौथा प्रहरे सोपारीओ तथा नारंगीओ वडे ज खास पूजा करवी जोईए एम सूर्योदय सुधी जागरण करवू अने सूर्यनो उदय थाय त्यारे पवित्र तीर्थ मां स्नान करवू। पछी परमेश्वरनी पूजा करवी ने ब्राह्मणोने जमाडवा। पुरुषोत्तम मासनी कृष्ण वद एकादशीना व्रतनी पण एवी ज विधि छे। ते वद एकादशी परमानामी कहेवाय छे अने तेने पण सर्व पापनो नाश करनारी जणावी। पुलत्स्य ऋषिए नारदने ए कथा विस्तारथी कही हती ते तमने कहूँ छू। कृतवीर्यना पुत्र सहस्त्रार्जुने रावण ने कैदखानामां नाख्यो हतो। ते जोई रावणना पिता पुलत्स्ये राजा सहस्त्रार्जुननी प्रार्थना करीने रावणने छोड़ाव्यो हतो। कृतवीर्य सहस्त्रार्जुननो वृत्तांत हूँ तने कहूँ छू। हे ब्राह्मण पूर्वे त्रेता युगमां माहिष्यनी नगरीमां घणो मोटो कृतवीर्य नामे राजा हतो। तेने 1000 स्त्रीओ हती परंतु तेओमां राज्यनी धरा धारणा करे एवो एक छोकरो ए राजाने त्यां थयो न हतो। तेणे घणा व्रतो कर्या हता। पछी ते राजाए मंत्रीने राज्य सौंपी वलकल वस्त्रो पहेरी जटा धारण करी पटराणी साथे वनमां जवा तैयार थयो। यज्ञनी नामनी तेनी पटराणीए वस्त्रालंकार छोड़ी तेना पतिनी साथे गंधमादन पर्वत तरफ प्रयाण कर्यु। ए राजाए त्यां जई 10,000 वर्ष सुधी तपश्चर्या करी अने गदाधारी देव विष्णु भगवाननु ध्यान कर्या करियो छता पुत्रनो लाभ तेने न ज थयो। तेनी राणीए पोताना पतिने केवल हाड़का तथा रोगो रूपे ज बाकी रहेलो जोई महासती अंसुयाने विनययुक्त थई पूछ्यु कि हे महासती मारा पति घोर तप करी रह्या छे छता केशव भगवान प्रसन्न थया नथी तो तमे साचू व्रत कहो जे भक्ति करवाथी महान चक्रवर्ती पुत्र मने प्राप्त थाय। पतिनी पाछळ पोते आवी हती ते जाणीने सती अंसुया घणा खुश थया। यज्ञनी ने ते वेळाए आ प्रमाणे कह्यु हे सुंदर भ्रुकुटी वाली 3 दिवसे 30 दिवसो वधवाथी 1 अधिक मास पूर्ण थाय छे। ए मळ मास 12 महिनाओमां अति उत्तम मनायो छे। एमां तू स्नान करजे। ते महिनामां यज्ञनी अने परमा नामनी 2 अग्यारशो आवे ते दिवसे उपवास करी जागरण साथे तारे व्रत करवू जेथी भगवान तरत प्रसन्न थशे।
અને તને પુત્ર આપનાર થશે। તેના કહ્યા પ્રમાણે તેણીએ વ્રત કર્યું અને પૂરું થયું કે તરત જ કેશવ ભગવાન તેના પર પ્રસન્ન થયા। તેણે ભગવાન આગળ માંગ્યું કે મારા પતિને આપ મોટું વરદાન આપો। ભગવાને તેને મધુર વાણીમાં આશીર્વાદ આપ્યા। વિષ્ણુ ભગવાનનું એ વચન સાંભળી મહારાજ કૃતવીર્ય ખુશ થયો। સર્વલોકને નમસ્કાર કરવા લાયક મોટી ભુજાવાળો પુત્ર માંગ્યો। આપ સિવાય બીજા દેવો, મનુષ્યો, નાગો, દૈત્યો, દાનવો કે રાક્ષસો તેને જીતી ન શકે એવો પુત્ર મને આપો। પછી તે પોતાના સુંદર નગરમાં આવી પહોંચ્યો। સમય જતાં તેણે યજ્ઞનીથી કાર્તવીર્ય સહસ્ત્રાર્જુન નામનો મહાબલવાન પુત્ર પ્રાપ્ત કર્યો। પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત તથા તે માસની સુદ અગિયારસનું વ્રત ભક્તિથી ઉપવાસ કરીને કરશે તેઓને પણ તે એકાદશી સુખ આપનારી થશે। શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાન કી જય। ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુણધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ मंगल।
करुण।